अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो सर? वालेकुम अस्सलाम मार्टिन शाह। आई एम फाइन, यू से एवरीवन? गुड 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 एवरीवन। ओके, कैसे हैं आप लोग सब? ठीक, शुक्र खुदा का। और सुनाएं आप लोग, क्या हाल चाल? चलो ओके ओके, गुड एवरीवन। ओके ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सब प्लान चिमी सोब? ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड हियर एवरीवन, आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाय सर। वालेकुम अस्सलाम। वेट अ सेकंड, आई एम गोइंग टू सेंड दिस। हाउ आर यू मुनिजाम? फाइन, यू से एवरीवन? गुड। डू जॉइन फास्ट, डू जॉइन फास्ट एवरीवन। जस्ट वेट अ सेकंड। ओके, जस्ट वेट अ सेकंड माय डियर। ओके ओके ओके, वेट अ सेकंड। ओके ओके, जस्ट वेट अ सेकंड। ओके बेटा जी, ओके, डू ज्वाइन फास्ट एवरीवन। फास्ट 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 फास्ट। ओके, वेट अ सेकंड। ओके वेट अ सेकंड। ओके बेटा, जल्दी जल्दी डू ज्वाइन फास्ट। ओके, जल्दी 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 जल्दी, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड। Everyone, everyone, fast, my dear. Okay, good. Okay, fast to join. चलो ओके, लास्ट वन मिनट वी आर गोइंग टू स्टार्ट माय डियर। ओके, जस्ट लास्ट वन मिनट। ओके, डू ज्वाइन फास्ट। ओके बेटा जी, शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। ओके गुड गुड। चलो ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट माय डियर। जस्ट वेट अ सेकंड। ओके, जस्ट वेट अ सेकंड बेटा जी। ओके, वी आर गोइंग टू नाउ स्टार्ट। ओके गुड, तो सबके पास बेटा लिंक मिल गई। ओके बेटा, सबके पास ऑलमोस्ट लिंक आ गई। चलो बेटा जी, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके बेटा जी, गुड। So everyone, so I'm audible to you. Okay, good. Walaikum assalam, sir. Assalamu alaikum, sir. What's up? I'm fine. I'm fine. How are you, sir? Theek, theek. Shukur khuda ka. Kaisa plan? Okay, good. So everyone, just last 1 minute, sir. Walaikum assalam. Okay, good, everyone. See now, ye bata. Aaj hamare paas kya hai? We are going to cover the one shot. Aaj hamare paas one shot hoga, sir. KTG ka. KTG bata. Aaj ab cover karenge ek hi shot mein. सर, पहले बात हमारे पास केटीजी में बेटा, एज पर योर जेके बोर्ड क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान मेरी हो बेटा सारे के सारे। सर, केटीजी में बेटा हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन का ध्यान रखना है। अगर बेटा आप केटीजी में ध्यान रखेंगे सर, कौन कौन क्वेश्चन बेटा बार बार रिपीटेड है। पहली बात बेटा याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर वन दैट शुड बी आस्क्ड माय डियर। सर, आपके पास केटीजी में क्या क्या एग्जाम के पॉइंट हिसाब से आता है बेटा। पहले पोस्टलेट्स ऑफ केटीजी, जो बेटा लास्ट ईयर भी आया था, पोस्टलेट्स ऑफ बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, पोस्टलेट्स ऑफ बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। दिस इज क्वेश्चन नंबर वन बेटा, जो आपको बार बार आता है, पोस्टलेट्स ऑफ बेटा केटीजी। ओके गुड बेटा, सो ये पहला क्वेश्चन आप बेटा याद रखेंगे, जो इसमें हम कवर करेंगे, दैट इज द पोस्टलेट्स ऑफ केटीजी। ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, जो इसमें आज कवर करेंगे बेटा, जो लास्ट ईयर भी आया है, ये सिक्स पोस्टलेट्स ऑफ केटीजी बोला गया था। सो पहला हम जो कवर करेंगे, दैट इज द पोस्टलेट्स ऑफ केटीजी। एंड सेकंड क्वेश्चन माय डियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, लॉ ऑफ इक्विपार्शन ऑफ एनर्जी बेटा, ये आया था, लॉ ऑफ इक्विपार्शन ऑफ एनर्जी, ये भी बेटा बहुत बार आया है। सो तीन मार्क्स में, दैट इज अगेन द क्वेश्चन नंबर सेकंड दैट वी आर गोइंग टू कवर। सो पोस्टलेट्स ऑफ केटीजी, ठीक है मेरा डियर, लॉ ऑफ इक्विपार्शन of energy again very important, and तीसरा बेटा जो है, that is types of speeds,
types of molecular speeds beta again important types of molecular speeds mein beta hum teen padhenge that is beta aapke paas average speed shabash beta bar bar repeated hai average speed padhenge and usi ke sath beta hum padhenge rms speed root mean square speed and teesra beta jo aaj cover karenge that is most probable speed okay my dear good क्वेश्चन नंबर ये तीन एंड चौथा जो आपके पास आएगा जो लास्ट ईयर आया था डिफाइन बेटा ये आप सारे के सारे डिफाइन करेंगे शॉर्ट टाइप में एक तो मीन फ्री पाथ क्या होता है सारे के सारे ध्यान रखिएगा मीन फ्री पाथ क्या है एंड दूसरा सारे के सारे बायलर्स लॉ क्या है बायलर्स लॉ ओके चार्ल्स लॉ ये सारे डिफाइन करेंगे हम चार्ल्स लॉ उसके बाद गैलुसिक्स लॉ ओके मेरा डियर गैलुसिक्स लॉ ओके सारे डिफाइन करेंगे हम उसके बाद डाल्टन्स लॉ ओके मेरा डियर डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर एंड उसके बाद ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये बेटा हम सारे के सारे पॉइंट्स को हम डिफाइन करेंगे ओके एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर पांचवा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट Avogadro's number and hypothesis ये हम बेटा इसके बाद कवर करेंगे शाबाश एंड उसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन है दैट इज माय डियर मॉलिक्यूलर मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन करो ये याद रखेगा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ओके मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन करो एंड इसी के साथ बेटा है डुलोंग एंड पेटिट लॉ ओके मेरा डियर डुलोंग एंड पेटिट लॉ बेटा ये बस आपके पास सारा आता है इसमें ठीक है मेरा डियर ये हम सारे के सारे आज कवर करेंगे सर सर पॉसलेट साहब बेटा केटीजी पहला क्वेश्चन आप कवर करेंगे बेटा जी शाबाश मेरा डियर फर्स्ट दैट इज द पॉसलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज लॉ ऑफ इक्विपार्शियल एनर्जी तीसरा टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड जो इसमें आप एवरेज स्पीड पढ़ेंगे आरएमएस स्पीड पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबल पढ़ेंगे उसके बाद डिफाइन करना है मीन फ्री पाथ बायलर्स लॉ चार्ल्स लॉ गैलुसिक्स लॉ डाल्टन्स लॉ एंड ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन उसके बाद एवोगैड्रोस नंबर एंड एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस अगेन इंपॉर्टेंट मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन करो अगेन इंपॉर्टेंट एंड डुलोंग एंड पेटिट लॉ ये क्वेश्चन बेटा छह हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे चलो बेटा जी आप स्टार्ट कर लेते हैं आ जा मेरा डियर आप ध्यान मेरे सारे के सारे अब बेटा स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन जो है जिसका आंसर हमें पास है बेटा अब आ जाए पहले किसका करना है सर पहला क्वेश्चन बेटा दैट इज पॉसलेट्स ऑफ सर किसके पॉसलेट्स बेटा बोलने हैं दैट इज बेटा केटीजी लास्ट ईयर बेटा ये आया है सर गिव द सिक्स पॉसलेट्स ऑफ बेटा केटीजी केटीजी के आपके पास कौन से सिक्स पॉसलेट्स है ध्यान मेरी ओर सारे के सारे गौर फरमाएगा मेरी ओर पहला पॉसलेट बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का क्या है जितने भी बेटा आपके पास गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं सारे के सारे ध्यान रखिएगा जितने भी आपके पास गैसेस मॉलिक्यूल्स है सो पहली बात बेटा याद रखेंगे सारे के सारे हमेशा बेटा गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं कंटिन्यूअस मोशन में सो याद रखेगा सो जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेटा हमेशा कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं या बेटा उसका दूसरा नाम हम भूलते हैं रैंडम मोशन ये याद रखिएगा सो जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल दे ऑलवेज लव टू बी मारिया इन कंटिन्यूअस मोशन ओआर और रैंडम मोशन एंड बेटा जब ये गैसेस मॉलिक्यूल चलते हैं इनका पाथ जो होता है बेटा दैट इज ज़िगज़ैग ये याद रखिएगा सो जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल है दे ऑलवेज लव टू बी इन द कंटिन्यूअस मोशन ओआर और मारिया स्टूडेंट इट ऑलवेज लव टू बी इन द रैंडम मोशन सर दे ऑलवेज रैंडमली मूव कर रहे हैं एंड इनका जो पाथ बेटा जब ये मूव कर रहे हैं इनका जो पाथ होता है दैट इज ज़िगज़ैग आप बोलेंगे सर zigzag path में एक्चुअली क्यों होते हैं सी बी मेरा डियर आपके पास जब भी बेटा कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल आपस में बेटा कोलाइड करते हैं एंड कोलूजन के बाद इनका बेटा एक तो डायरेक्शन भी चेंज होता है एज वेल एज वेलोसिटी भी चेंज होता है जब भी गैसेस मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं लेट इट बेटा यहां पर एक गैसेस मॉलिक्यूल ने आपस में कोलाइड किया हर कोलूजन के बाद इसका डायरेक्शन भी चेंज होता है एज वेल एज वेलोसिटी भी चेंज होता है लेट बेटा यहां पर किया इसके बाद फिर से डायरेक्शन चेंज होगा एज वेल एज वेलोसिटी चेंज होगा यहां पर कोलाइड किया उसके बाद फिर से डायरेक्शन चेंज होगा वेलोसिटी चेंज होगा एंड इस पाथ को बेटा हम बोलते हैं ज़िगज़ैग मीन्स जब भी बेटा कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं एंड हर कोलूजन के बाद इनका डायरेक्शन कंपोनेंट इनका डायरेक्शन भी चेंज होता है एज वेल एज वेलोसिटी कंपोनेंट एंड दैट इज व्हाई माय डियर इनका जो पाथ होता है दैट इज गोइंग टू बी बेटा ज़िगज़ैग
पहला पॉइंट लिखूंगा मैं सर, ध्यान मेरे बेटा सारे गौर फरमाएगा, शाबाश। पहला पॉइंट केटीजी का पॉसलेट बेटा, छह पॉसलेट लिखूंगा। पहला सर, द गैसेस मॉलिक्यूल्स ऑलवेज रिमेन इन कंटिन्यूअस मोशन और आर रैंडम मोशन, ठीक है, आफ्टर एवरी कोलूजन द डायरेक्शन एंड वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल चेंजेस एंड पाथ अटेनड इज बेटा zigzag। ये बेटा याद रखेगा सारे के सारे। So, पहला पॉइंट सारे के सारे याद रखेगा, जितने भी बेटा गैसेस मॉलिक्यूल है वो हमेशा सर कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं या रैंडम मोशन में रहते हैं, जो ही बेटा ये आपस में कोलाइड करते हैं, ये बात याद रखेगा, हर कोलूजन के बाद इनका डायरेक्शन भी चेंज होता है एज वेल एज बेटा जी वेलोसिटी चेंज होता है, एंड दैट इज वाई इनका पाथ अगर देखोगे दैट इज गोइंग टू बी zigzag लाइक दिस बेटा, इनका पाथ ऐसे होता है ऐसे बेटा, इस पाथ को बेटा बोलते हैं zigzag पाथ बेटा, इनकी पाथ zigzag होती है बेटा, ये बात याद रखेगा सारे के। लेट बेटा यहाँ पर कोलूजन किया इधर, उसके बाद कोलूजन के बाद डायरेक्शन भी चेंज होगा वेलोसिटी, फिर यहाँ पर कोलूजन किया फिर से डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज, फिर यहाँ पर कोलूजन किया फिर से डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज, यहाँ पर कोलूजन किया फिर से डायरेक्शन, एंड इस पाथ को बेटा आप बोलेंगे इनकी पाथ बेटा zigzag होती है, ये बात याद रखेगा। सो पहला पॉइंट सारे क्लियर करेंगे, जितने भी सर गैसेस मॉलिक्यूल है दे ऑलवेज लव टू बी इन द कंटिन्यूअस मोशन ओवर और माय डियर दे ऑलवेज लव टू बी इन द रैंडम मोशन, ये रैंडमली बेटा मूव करते हैं, एंड जब भी ये कोलाइड करते हैं हर कोलूजन के बाद दे आर गोइंग टू चेंज द पैरामीटर ऑफ द डायरेक्शन एंड दे आर गोइंग टू चेंज द पैरामीटर ऑफ वेलोसिटी, एंड दैट इज व्हाई हर डायरेक्शन के बाद जब इनका वेलोसिटी भी चेंज होता है डायरेक्शन भी, एंड इनका पाथ जो होता है दैट इज गोइंग टू बी zigzag, ओके मेरा डियर। पॉइंट नंबर सेकंड, आप ध्यान मेरी ओर बेटा, जब भी गैसेस मॉलिक्यूल कभी भी आपने बेटा इधर एक वॉल्स ऑफ कंटेनर लिया बेटा, एक आपने कंटेनर लिया, कंटेनर में बेटा जी आपने गला आपने कंटेनर में क्या लिखा बेटा, शाबाश, कंटेनर में आपने आपने गैस रखा, अब बेटा ये जो कंटेनर में जो गैस रखा आपने बेटा, जब ये वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं, ध्यान में बिकॉज ये रैंडमली मूव करते हैं बेटा, जब आपने इसको कंटेनर में रखा गैस को, ये बेटा वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ बेटा कोलाइड करता है, याद रखेगा बेटा, जब भी आपके पास गैसेस मॉलिक्यूल्स वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं बेटा, ये जो कोलूजन होता है ये इलास्टिक होता है, एंड इलास्टिक कोलूजन के दौरान बेटा हमें पता है इलास्टिक कोलूजन में बेटा ये अपना मोमेंटम को बेटा कंजर्व करते हैं, ये बेटा याद रखेगा। सो मीन सर, the collusion of gaseous molecules with walls of container is elastic and there is conservation of मोमेंटम बेटा, जब ये कोलाइड करते हैं बेटा, जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल है जब ये कोलाइड करते हैं किसके साथ, वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ, ये बात याद रखेगा, ये जो कोलूजन होता है इनका दैट इज गोइंग टू बी बेटा ट्रूली द इलास्टिक, एंड वी नो दैट माय डियर स्टूडेंट ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलूजन एंड यू आर गोइंग टू हैव द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज क्लियर, ओके माय डियर। एंड तीसरा पॉइंट याद रखेगा सर आपके पास बेटा जी, ध्यान मेरी ओर सारे के सारे ध्यान फरमाएगा, ओके बेटा जी सारे के सारे ध्यान मेरी ओर, आप सारे के सारे गौर फरमाएगा, ओके ध्यान मेरी ओर। अब सर हमारे पास बेटा सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट क्या है सर, जितने भी बेटा गैसेस मॉलिक्यूल है सीआर, अगर बेटा यहाँ पर एक गैसेस मॉलिक्यूल है, इसने या इसके साथ कोलाइड किया, फिर बेटा इधर इसके बाद इधर कोलाइड किया, फिर बेटा इसके बाद इधर कोलाइड किया, याद रखेगा बेटा सारे के सारे सर, दो सक्सेसिव कोलूजन के बीच, मीनिंग यहाँ पर कोलूजन हुआ फिर बेटा यहाँ पर कोलूजन हुआ फिर बेटा यहाँ पर कोलूजन हुआ, ये बेटा याद
याद रखेगा, दो सक्सेसिव कोलूजन के बीच में, या बेटा दो कंसेक्यूटिव कोलूजन के बीच में, यहां पर कोलूजन हुआ फिर उसके थोड़ी देर बाद और एक कोलूजन हुआ, लेट बेटा यहां पर दो मॉलिक्यूल्स ने आपस में कोलाइड किया, फिर बेटा यहां पर कोलाइड किया, दो सक्सेसिव कोलूजन के बीच में जो बेटा पाथ होती है, इस पाथ को बेटा जी बोला जाता है मीन फ्री पाथ। ये याद रखेगा, द पाथ दैट इज अटेन्ड बाय अ गैसेस मॉलिक्यूल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलूजन एंड दैट पाथ इज माय डियर नोन एज मीन फ्री पाथ एंड द डिस्टेंस बेटा बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलूजन इज नोन एज बेटा जी मीन फ्री पाथ डिस्टेंस। मीन सर, दो सक्सेसिव कोलूजन के बीच में जो पाथ होता है दैट पाथ इज माय डियर मीन फ्री पाथ एंड द डिस्टेंस इज नोन एज मीन फ्री पाथ डिस्टेंस। हम लिखेंगे द पाथ बिटवीन द पाथ बिटवीन द बेटा टू सक्सेसिव द पाथ बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलूजन्स इज नोन एज मीन फ्री पाथ, शाबाश, एंड द डिस्टेंस is known as mean free path distance। ठीक है बेटा, वेरी गुड माय डियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, शाबाश मेरा डियर। ये याद रखेगा सर, जो पाथ बेटा दो सक्सेसिव कोलूजन्स के बीच में, इस पाथ को बेटा मीन फ्री पाथ बोलता है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलूजन या टू कंसेक्यूटिव कोलूजन इज नोन एज मेरा डियर मीन फ्री पाथ डिस्टेंस। एंड लास्ट ईयर एक नंबर में भी आया था, मीन फ्री पाथ होता क्या है, ये बेटा सारे क्लियर करेंगे। मीन फ्री पाथ एक्चुअली कुछ नहीं होता है सर, ये वो होता है बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलूजन्स ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल, दो सक्सेसिव कोलूजन्स के बीच में जो बेटा पाथ होती है दैट इज नोन एज मीन फ्री पाथ एंड द डिस्टेंस इज बेटा जी नोन एज मीन फ्री पाथ डिस्टेंस। अब बेटा चौथा पॉइंट, जितने भी बेटा गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं ये ओबे करते हैं सारे के सारे बेटा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, दे ओबे बेटा, ये याद रखिएगा, नेक्स्ट, दे ओबे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये बेटा याद रखिएगा, जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल हैं ये सारे के सारे बेटा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को ओबे करते हैं, ठीक है। एंड पांचवा बेटा, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लेक्टेड। बेटा जब भी आप ग्रेविटी का इफेक्ट लोगे, हम बेटा कभी भी ग्रेविटी का इफेक्ट कंसिडर नहीं करते हैं ऑन द गैसेस मॉलिक्यूल्स, दैट इज वाई द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द गैसेस मॉलिक्यूल्स माय डियर नेग्लेक्टेड। ये बेटा याद रखेगा सारे के सारे। मेन्स बेटा दीज वायर सम पॉसिलेट्स ऑफ केटीजी, ये बेटा केटीजी के आप बेटा पॉसिलेट्स याद रख लोगे, ठीक है मेरा डियर, काफी है इतना। सर जितने भी बेटा गैसेस मॉलिक्यूल है सारे के सारे याद रखेगा। पहला पॉइंट बोलेंगे सर, जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल दे ऑलवेज लव टू बी इन द कंटिन्यूअस मोशन or in the random motion and inki jo path hoti hai that is zigzag because hame pata hai har collision ke baad beta gaseous molecule apna direction bhi change karte hain, velocity bhi change karte hain, that is why unka path jo hota hai that is zigzag। and jab bhi ye dusra point, jab bhi ye gaseous molecule sir walls of container ke sath collision karte hain, inka collision beta purely elastic hota hai and we know that my dear student elastic collision dauran aapka beta conservation of momentum hota hai। and teesra beta, दो सक्सेसिव कोलूजन के बीच में इस पाथ को सर यहां पर गैसेस मॉलिक्यूल ने कोलाइड किया, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ी और डिस्टेंस के बाद कोलूजन किया, दो सक्सेसिव कोलूजन के बीच में जो ये पाथ इन्होंने अटेन किया दिस इज नोन एज मीन फ्री पाथ एंड द डिस्टेंस इज नोन एज मीन फ्री पाथ डिस्टेंस, ठीक है बेटा, ओके। उसके बाद बेटा जो भी आपके पास गैसेस मॉलिक्यूल है सारे के सारे बेटा ओबे करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड उसके बाद बेटा जो इन पे इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी बेटा वो हम नेग्लेक्ट करते हैं, वो हम बेटा कभी कंसिडर नहीं करते हैं। सो ये बेटा था पॉसिलेट्स ऑफ केटीजी, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 1। ओके बेटा कवर।
शाबाश। उसके बाद बेटा नेक्स्ट दैट इज माय डियर लॉ ऑफ इक्विपार्शन ऑफ एनर्जी। चलो बेटा ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज लॉ ऑफ इक्विपार्शन ऑफ एनर्जी। ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट है बेटा लॉ ऑफ इक्विपार्शन ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्शन ऑफ एनर्जी। ये लास्ट ईयर आया था बेटा 3 मार्क्स का, ठीक है बेटा। चलो मेरा डियर शाबाश, जल्दी जल्दी उतार लो, अगर किसी को उतारना है वो जल्दी जल्दी उतार लेगा, शाबाश। लॉ ऑफ इक्विपार्शन ऑफ एनर्जी नेक्स्ट। चलो मेरा डियर शाबाश, फास्ट 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 बेटा, गुड, जल्दी जल्दी जल्दी, गुड। चलो बेटा शाबाश नेक्स्ट। चलो बेटा शाबाश, आ गए बेटा शाबाश, स्क्रीन आ रहा है मेरा डियर। चलो ओके, आ जाए ध्यान मेरी और आप सारे, कोई बेटा वो रहा है, स्क्रीन आ रहा है बेटा, ओके वेट अ सेकंड, स्क्रीन ऑफ हो रही है, वेट अ सेकंड बेटा। एक सेकंड ओके, एक्चुअली बेटा ये ऑफ हुआ था, ध्यान मेरी और, ओके ओके बेटा अब आ गया, शाबाश मेरा डियर, वेट अ सेकंड। चलो वेट अ सेकंड, चलो बेटा ओके, चलो बेटा ओके, अब स्क्रीन आ गया। चलो मेरा डियर अब ध्यान मेरी और, कोई मेरा डियर मुझे बोलता है सर क्या बोल रहा है, सर आपके पास क्वेश्चन किसी ने पूछा क्या, सर स्क्रीन आ रहा है अब, ओके बेटा स्क्रीन अब आ गया, सर Why gravity does not affect the gaseous molecule? बेटा सीयर क्यों इफेक्ट नहीं करता है, ध्यान मेरी और सारे के सारे, क्यों इफेक्ट नहीं करते बेटा, जब भी gaseous molecule collide करते हैं ना, इनके बीच में बेटा फोर्स क्रिएट होता है बेटा, इनके बीच में हाई फोर्स क्रिएट होता है बेटा, जो डोमिनेट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स को, दैट इज वाई बेटा ग्रेविटी का इफेक्ट इसमें कंसिडर नहीं करते हैं, ये याद रखना। किसी ने क्वेश्चन पूछा था ग्रेविटी क्यों बेटा इन पे इफेक्ट नहीं करता, इसलिए नहीं करता बेटा, जब भी दो gaseous molecule आपस में collide करते हैं कोलूजन के दौरान बेटा जो फोर्स क्रिएट होता है दैट इज एक्चुअली डोमिनेटिंग द बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज व्हाई माय डियर योर इफेक्ट इज नॉट गोइंग टू टेक कंसीडर। ओके बेटा शाबाश, अब बेटा ध्यान मेरे और सारे के सारे, लॉ ऑफ इक्विपार्शन ऑफ एनर्जी बेटा ये याद रखेगा, मैंने लास्ट क्लास में अगर याद होगा बेटा मैंने आपको बोला था, पढ़ाया भी था, एंड ये लास्ट ईयर आया था 3 मार्क्स, एंड इस साल भी बेटा इसको चांसेस आने के हैं, 3 मार्क्स सबसे इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ इक्विपार्शन ऑफ एनर्जी। बेटा सी लॉ ऑफ इक्विपार्शन क्या बोलता है सारे के सारे, ध्यान मेरी ओर बेटा, जब भी आप लॉ ऑफ इक्विपार्शन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, पहला पॉइंट बेटा आप दिमाग में सारे के सारे डालेंगे, एंड लास्ट क्लास में बेटा मैंने बोला अगर आपके पास कोई भी एक गैसेस मॉलिक्यूल है, एंड किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल का अगर आप चेक करेंगे कितने नंबर ऑफ इधर इंडिपेंडेंट वे से बेटा ये आपके पास एक गैसेस मॉलिक्यूल है, सारे के सारे ध्यान बेटा, ये आपके पास एक गैसेस मॉलिक्यूल है शाबाश बेटा, ये गैसेस मॉलिक्यूल सर खुद में बेटा कितने तरीकों से, ये बेटा याद रखेगा, कितने तरीकों से खुद में एनर्जी एक्सेस करेगा, एंड लास्ट क्लास में मैंने बोला था कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ तरीकों से, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे से खुद में मेरा डियर क्या कर सकेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये याद रखेगा। सो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज बाय विच एनी गैसेस मॉलिक्यूल, याद रखेगा, कैन एब्जॉर्ब द एनर्जी, दैट इज नोन एज, इट इज मैंने लास्ट क्लास में बोला था, दैट इज नोन एज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब लॉ ऑफ इक्विपार्शन ऑफ एनर्जी बोलता क्या है सारे के सारे, ध्यान मेरी ओर, ये तो बेटा क्लियर हुआ सर, आपने लास्ट क्लास में बोला था अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे, क्योंकि बेटा लॉ ऑफ इक्विपार्शन ऑफ एनर्जी लिंक्ड है बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, क्यों मैं बता देता हूं क्यों है बेटा, सारे के सारे गौर फरमाएगा,
क्योंकि बेटा याद रखिएगा, जो भी आपके पास कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल है, कोई भी बेटा गैसेस मॉलिक्यूल, कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे से, ये याद रखिएगा, कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे से एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, दैट इज नोन एज माय डियर इट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड लव इक्विपार्शन एनर्जी। एंड मैंने कल भी बेटा बोला था, अगर कोई गैसेस मॉलिक्यूल खुद में एनर्जी लाएगा, या तो बेटा रोटेटरी जाएगा, शाबाश, या तो बेटा ये वाइब्रेशनली जाएगा, या तो बेटा ये ट्रांसलेटरी जाएगा, याद रखिएगा कल मैंने बोला था। और बेटा याद रखिएगा सारे के सारे, सर जब भी बेटा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्शन ऑफ एनर्जी, सर लॉ ऑफ इक्विपार्शन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो मॉलिक्यूल एनर्जी लाता है वो कितना होता है वही वो एक्सप्लेन करता है। क्योंकि आपको पता है सर, हर बेटा याद रखेगा इस चीज को बेटा, रट्टा नहीं, एग्जाम में आपको याद भी ये पॉइंट्स आएंगे बेटा, फिर खुद भी लिख सकते हैं सर। क्योंकि मैंने बेटा आपको बोला था, फिर से बोल रहा हूं मैं सर, अकॉर्ड आपको पता है बेटा, अगर कोई भी एक गैसेस मॉलिक्यूल है मेरे पास, सर एक गैसेस मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे से, कितने तरीकों से खुद में एनर्जी को एक्सेस करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, दैट इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज नोन एज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। एंड वी नो दैट बेटा, जब भी कोई गैसेस मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, इट इज गोइंग टू आइदर डू द रोटेटरी, या तो रोटेशनल मोशन से जाएगा, या तो वाइब्रेशनली वाइब्रेटरी मोशन से जाएगा, या तो बेटा ट्रांसलेटरी, या तो ट्रांसलेशन मोशन से जाएगा। अब सीयर सर, लॉ ऑफ इक्विपार्शन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है सर, हर एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जब ये मॉलिक्यूल बेटा एनर्जी लाता है, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो ये एनर्जी लाता है वो एनर्जी होता है 1/2 of kBT। ये बेटा याद रखेगा। So according to the law of equipartition of energy, जो बेटा इधर gaseous molecule energy लाता है, हर degree of freedom के साथ उसकी जो energy associated होती है, जो वो energy लाता है हर degree of freedom में, हर degree of freedom में, each degree of freedom में, वो energy होता है बेटा 1/2 of kBT। लॉ ऑफ इक्विपार्शन यही बोलता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्शन एनर्जी, द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज 1/2 of kBT। एक बार गया 1/2 of kBT, फिर से गया 1/2 of kBT, फिर से गया 1/2 of kBT। बेटा जितनी बार मॉलिक्यूल जाएगा ना एनर्जी लाने के लिए, बेटा हर इधर हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम में, एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी लाएगा, दैट इज 1/2 of kBT। ये बेटा याद रखेगा। वायर बेटा, KB इज योर बोल्टमैन कॉन्स्टेंट, T इज द टेम्परेचर। ठीक है बेटा, मैं लिखूंगा मेरा डियर As sir, ऐसे लिखेंगे बेटा, as we know that the number of independent ways by which a gaseous molecule absorb or excess energy is known as its degree of फ्रीडम। मगर मैंने क्या बोला, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्शन ऑफ एनर्जी, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ बेटा जी गौर फरमाएगा, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ ये गैसेस मॉलिक्यूल जो खुद में एनर्जी लाता है, एक्सेस करता है, एसोसिएट होता है, दैट इज माय डियर 1/2 of kBT। मींस अगर मैं दो बार गया 1/2 of kBT प्लस 1/2 of kBT, अगर मैं तीन बार गया 1/2 of kBT 1/2 of kBT 1/2 of kBT, अब तो कोई पागल होगा जो बेटा 1/2 of kBT करेगा, 1/2 of kBT करेगा, 1/2। बेटा मैं बोलूंगा कितनी बार गया, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना एनर्जी लाता है तू, 1/2 of kBT। मैं जितनी बार गया इसको सब मल्टीप्लाई करोगे बेटा, उतनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का आ जाएगा। ठीक है मेरा डियर, मैं लिखूंगा सर, बट अकॉर्डिंग टू, ये याद रखेगा, बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ, ये आप नोट करेगा सारे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्शन ऑफ एनर्जी, द एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच
degree ORR with each degree of freedom. ORR, 1 degree of freedom. Each degree of freedom, yeah, 1 degree of freedom is 1/2 of KBT. ये बेटा याद रखेगा सर, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी बेटा एसोसिएट होती है, दैट इज 1/2 ऑफ केबीटी. ये बेटा बोलता है लॉ ऑफ इक्विपार्शन ऑफ एनर्जी. बेटा ये सारे याद रखेगा सर, लॉ ऑफ इक्विपार्शन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी एसोसिएट होती है, दैट इज 1/2 ऑफ केबीटी. मैं लिखूंगा सर, ई इज इक्वल टू 1/2 ऑफ केबीटी विथ ईच degree of freedom के साथ, हर degree of freedom के साथ. क्योंकि हमें पता है जितने तरीकों से बेटा कोई भी gaseous molecule खुद में energy लाएगा, number of independent ways that is revealing the बेटा degree of freedom. And हर degree of freedom के साथ एक molecule हर degree of freedom में कितना energy लाता है, that is बेटा 1/2 of KBT, where KB is Boltzmann's constant. Boltzmann's constant, okay beta, and T is temperature. चलो बेटा, ओके, टी इज टेम्परेचर. आप ध्यान मेरे बेटा, जरा गौर फरमाएगा. ओ आर आर कोई ये भी लिख सकता है, सारे के सारे ध्यान मेरी ओर. एंड लास्ट क्लास में हमने बोला था बेटा, के बी जो होता है बोल्ट्जमैन इज कॉन्स्टेंट बेटा, दैट इज आर डिवाइडेड बाई एन ए, गैस इज कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई बेटा एवोगाड्रोस नंबर, के बाय आर एन ए. तो बेटा ई बन जाएगा सारे के सारे, बोल्ट्जमैन इज कॉन्स्टेंट होता है बेटा आर डिवाइडेड बाई एन ए. तो हमारे पास ई का वैल्यू ये भी बन सकता है 1/2 ऑफ इंटू के बी के बदले बेटा मैं ये भी डाल सकता हूँ आर बाई एन ए इंटू टी. कोई ये भी बेटा बोल सकता है, मेरा डियर इजी है, शाबाश, कुछ नहीं किया बेटा. बोल्ट्जमैन इज कॉन्स्टेंट होता है आर डिवाइड बाय एन ए, वायर एन ए इज द एवोगाड्रोस नंबर एंड आर इज द गैसेस कॉन्स्टेंट. ओके बेटा, जरा मुझे बता दो एनर्जी फॉर मोनो एटॉमिक का कितना बनेगा, नजर मेरी हो सारे के सारे. एज जरा मैं देखता हूँ, फॉर मोनो एटॉमिक, वो एग्जाम में बराबर इतना लिखेगा आप. एज फॉर मोनो एटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम, सर उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ, साल कल मैंने पढ़ाया एफ उसका होता है बेटा 3. हर डिग्री ऑफ फ्रीडम का एनर्जी कितना होता है, मैंने भी बोला हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एनर्जी जो एसोसिएट होता है दैट इज 1/2 ऑफ केबीटी. मोनोटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3, अगर ए के साथ है 1/2 ऑफ केबीटी, 3 के साथ कितना होगा, सो मीन्स इसका एनर्जी बनेगा 1/2 ऑफ के बी टी. ये होता है एक का, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एनर्जी होता है 1/2 ऑफ के बी टी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्शन एनर्जी. मगर मोनोटॉमिक के पास होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो 3 का एनर्जी कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3, वो बनेगा बेटा 3/2 के बी टी. ठीक है मेरा डियर, शाबाश. जरा डायटोमिक का कितना बनेगा एनर्जी, फिर फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, शाबाश, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है बेटा 5, शाबाश. एक का एनर्जी कितना होता है, अभी मैंने बोला अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्शन ऑफ एनर्जी विद एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम द एनर्जी दैट इज लिंक्ड बेटा दैट इज 1/2 ऑफ केबीटी. मगर इसके बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 5, एक बार गया लाया 1/2 ऑफ केबीटी, दूसरी बार गया 1/2 ऑफ केबीटी, तीसरी बार गया 1/2 ऑफ केबीटी, चौथी बार गया 1/2 ऑफ केबीटी, पांचवी बार गया 1/2 ऑफ केबीटी. अब बेटा जो पागल होगा वो प्लस प्लस करेगा, मुझे पता है एक का होता है 1/2 ऑफ केबीटी, 5 का कितना होगा, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो बेटा इसका एनर्जी होता है 5/2 केबीटी. शाबाश बेटा. जरा बेटा फॉर ट्राईएटॉमिक का कितना बनेगा, ट्राईएटॉमिक कल पढ़ाया लीनियर का, ट्राईएटॉमिक लीनियर, शाबाश बेटा. ट्राईएटॉमिक का लीनियर डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज 7, डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा होता है 7, उसका एनर्जी बनेगा बेटा ए का होता है 1/2 ऑफ के बी टी, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है 7, तो 7 का बनेगा बेटा 7/2 के बी टी. एंड बेटा फॉर ट्राईएटॉमिक नॉन लीनियर, ट्राईएटॉमिक नॉन लीनियर उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा होता है 6,
ओके उसका एनर्जी बनेगा बेटा 1/2 of KBT होता है 1 degree ऑफ फ्रीडम के साथ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एनर्जी सर द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच ORR 1 degree ऑफ फ्रीडम के साथ एनर्जी जो एसोसिएट होता है दैट इज माय डियर 1/2 of KBT सर इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं 6 तो बेटा इसका बनेगा 6/2 KBT दैट इज 2 1s are 2 3s are दैट इज बेटा 3 KBT ओके बेटा दिस इज योर लॉ ऑफ इक्विपार्शन ऑफ एनर्जी ठीक है बेटा जी हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट चलो बेटा अब तीसरा चलो बेटा शाबाश अब तीसरा क्वेश्चन जो है दैट इज बेटा टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ये बेटा कवर शाबाश ये बेटा कवर ओके अब बेटा तीसरा जो है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड शाबाश ये बेटा लास्ट इस साल आ सकता है डिफाइन तीनों के तीनों बेटा डिफाइन करने हैं चलो बेटा ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड बेटा मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आपको एग्जाम में लिखना है बस बेटा मैं एक्स्ट्रा फालतू यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ टाइप्स ऑफ बेटा मॉलिक्यूलर स्पीड्स चलो बेटा ओके ओके चलो ध्यान मेरी ओर टाइप्स ऑफ बेटा क्या मॉलिक्यूलर स्पीड्स आ जाए बेटा सर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स हमारे पास बेटा गैसेस मॉलिक्यूल के पास 3 स्पीड्स होती है एक तो बेटा हमारे पास क्या है एवरेज स्पीड शाबाश बेटा एंड दूसरा स्पीड जो पढ़ना है दैट इज RMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड ओके बेटा तीसरा स्पीड जो पढ़ना है 3 ही पढ़नी है बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बेटा ये हर साल आता है 3 marks का बेटा रिपीटेड क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड चलो बेटा ओके कर लेते हैं इसको क्वेश्चन को कवर शाबाश मेरा जिगर चलो बेटा इसको खत्म करते हैं अब बेटा पहला जो है दैट इज बेटा एवरेज स्पीड इधर मैं बेटा एक ही इक्वेशन नहीं लिखवाऊंगा इनका मैं आपको बेटा 4 इक्वेशन लिखाऊंगा आप बेटा बस आप ध्यान रखिएगा गौर फरमाएगा तो एक क्वेश्चन क्या कवर हो गया लॉ ऑफ इक्विपार्शन ऑफ एनर्जी कवर करके दिया एंड बेटा उसी के साथ कवर क्या दिया ऑसिलेट्स ऑफ KTG कवर करके दिया अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो है चलो मेरा डियर दैट इज बेटा तीसरा टाइप्स ऑफ बेटा मॉलिक्यूलर स्पीड्स ठीक है मेरा डियर इसमें पढ़ना है बेटा जी एवरेज स्पीड पढ़ना है RMS स्पीड पढ़ना है और बेटा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पढ़ना है ओके मेरा डियर चलो अब सर क्या होता है एवरेज स्पीड नजरे मेरी और बेटा जी एवरेज स्पीड क्या है अगर बेटा बात करेंगे एवरेज स्पीड की लेट इट बी मेरा डियर ध्यान मेरे सारे सर ये आपके पास बेटा गैसेस मॉलिक्यूल है ध्यान मेरे सारे के सारे ये बेटा आपके पास गैसेस मॉलिक्यूल पहला जो पढ़ेंगे मैं लिखूंगा बेटा पहले दैट इज एवरेज स्पीड बिल्कुल आसान है ये बेटा इसके अलावा कुछ है ही नहीं सिलेबस में सारा का सारा सिलेबस इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस कवर करा रहा हूँ पहला एवरेज स्पीड सर अगर बेटा आपके पास एक गैसेस मॉलिक्यूल है ये बेटा गैसेस मॉलिक्यूल ए है इसकी स्पीड है बेटा C1 ये आपके पास बेटा दूसरा गैसेस मॉलिक्यूल है इसकी स्पीड है बेटा C2 ये आपके पास बेटा तीसरा गैसेस मॉलिक्यूल है इसकी स्पीड है C3 लेट इट बेटा आपके पास nth गैसेस मॉलिक्यूल है ये बी था ये सी था ये nth था इसकी स्पीड है CN अगर बेटा आपके पास बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल है इनकी अलग अलग स्पीड्स है इंडिविजुअल स्पीड्स है बेटा अगर मुझे इन सब का एवरेज निकालना है बेटा इधर सुन लीजिएगा सर मेरे पास बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल है एंड इन सब गैसेस मॉलिक्यूल का अलग अलग स्पीड है एक गैसेस मॉलिक्यूल का स्पीड C1 है एंड का दूसरे का C2 है एक का C3 है जो nth गैसेस मॉलिक्यूल है क्योंकि मैंने बोला बहुत सारे उसका बेटा स्पीड CN है अगर इन सब का बेटा आपको निकालना पड़ेगा एवरेज सर हाउ कैन आई कैलकुलेट द एवरेज रिमेंबर माय डियर सर एवरेज स्पीड कैसे निकालता है बेटा जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल है उनकी जो इंडिविजुअल स्पीड्स होती है इंडिविजुअल स्पीड्स को बेटा जी किया जाता है एवरेज ये याद रखिएगा सर द एवरेज इज सर एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द शाबाश एवरेज ORR मीन ऑफ द इंडिविजुअल स्पीड ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल गैसेस मॉलिक्यूल के जो इंडिविजुअल स्पीड्स है इनको बेटा जी मीन किया जाता है उसी स्पीड को बेटा हम बोलते हैं एवरेज स्पीड मैं लिखूंगा सर इट इज डिफाइंड एज मीन ऑफ द इंडिविजुअल स्पीड्स ऑफ गैसेस
मॉलिक्यूल्स। सो बेटा ये कुछ नहीं होता है, जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल है उनके इंडिविजुअल स्पीड्स का मीन होता है। लेट बेटा आपके पास 5-10 गैसेस मॉलिक्यूल है, एक का स्पीड है 2, दूसरे का है 5, एक का है 6, एक का है 10, उन सारे इंडिविजुअल स्पीड्स को जो गैसेस मॉलिक्यूल के पास है इनको बेटा एवरेज करना है या मीन करना है। तो मैं लिखूंगा बेटा सी एवरेज इज इक्वल टू बेटा, लेट ए के पास है C1 स्पीड, ए के पास है बेटा C2 स्पीड, ए के पास है C3 स्पीड अप टू CN। सर इनकी स्पीड डिवाइड बाय कितने हैं, दैट इज N। इसको बेटा बोलते हैं एवरेज स्पीड। सब बेटा सबको पता है सर, एवरेज एक का था, एक गैसेस मॉलिक्यूल का C1 था, एक का बेटा C2 था, एक का C3 माना और nth का CN माना। सो मैंने जो उनकी स्पीड्स है उनको ऐड करना है, डिवाइड बाय कितने होते हैं, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यही तो बेटा होता है ना मीन या एवरेज, ठीक है। सो मीन्स इनके इंडिविजुअल स्पीड्स को बेटा मीन निकालना है, दैट इज नोन एज इट इज एवरेज स्पीड। एंड बेटा एवरेज स्पीड गिवन होता है, याद रखेगा इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, ये बराबर होता है बेटा 8 डिवाइडेड बाय पाई इनटू बेटा केबीटी डिवाइडेड बाय स्मॉल एम। ये याद रखिएगा सर, एवरेज स्पीड ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल इज गिवन बाय बेटा 8 बाय पाई अंडर रूट ऑफ 8 बाय पाई केबीटी एम, वायर बेटा 8 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, केबी इज द बोल्टजमैन इज कांस्टेंट, टी इज द टेंपरेचर एंड स्मॉल एम इज द गिवन मास। सर 8 बाय पाई अंडर रूट ऑफ 8 बाय पाई होता है बेटा 1 पॉइंट, याद रखे बेटा 8 बाय पाई होता है बेटा 1.6, अंदर बचेगा अंडर रूट ऑफ बेटा केबीटी बाय स्मॉल एम, कोई ये भी लिख सकता है, ठीक है मेरा डियर, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 8 बाय पाई का वैल्यू होता है बेटा 1.6। और एक भी आप लिख सकते हैं सी एवरेज इज इक्वल टू बेटा, ध्यान मेरी हो सारे के सारे, सर आपके पास बेटा इधर के भी होता है आर बाय एन ए, बेटा याद रखेगा अभी मैंने बोला बोल्टजमैन इज कांस्टेंट होता है आर बाय एन ए, एंड मॉलिक्यूलर इधर गिवन मास होता है मॉलिक्यूलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स, एन ए होगा कैंसल, नंबर ऑफ मोल्स कैंसल होगा, ये बनेगा फिर 1/1.6 अंडर रूट ऑफ बेटा आर टी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। दिस इज वन मोर फॉर्मूला, ठीक है मेरा डियर, शाबाश। दिस इज इन टर्म्स ऑफ गैसेस कांस्टेंट एंड मॉलिक्यूलर मास, दिस इज इन टर्म्स ऑफ बोल्टजमैन इज कांस्टेंट एंड गिवन मास। एज सर एज पर आइडियल गैस पीवी होता है बराबर एनआरटी, एन का वैल्यू लेते हैं 1, सर पीवी बनेगा बेटा आरटी के बराबर, जरा बेटा आरटी के बदले पीवी डालो, सी एवरेज बनेगा बेटा वन मोर फॉर्मूला 1.6 अंडर रूट ऑफ बेटा आरटी के बदले डालो बेटा, ये बनेगा पीवी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। शाबाश बेटा, और एक फार्मूला सर सी एवरेज इज इक्वल टू सर 1.6 अंडर रूट ऑफ पीवी डिवाइड बाय मास, हमें पता है बेटा एज डेंसिटी होता है सर सारे के सारे, एज डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, सर मास किसके बराबर बनेगा बेटा रो इंटू वी, सर यहाँ पर लिखेंगे बेटा इसके बदले रो इंटू वी, वी वी होगा कैंसल, सी एवरेज बनेगा बेटा 1.6 अंडर रूट ऑफ पी बाय रो। बेटा कितने इक्वेशन लिख के दिए, एग्जाम में एक याद नहीं रखना है, आदम को नीट में क्वेश्चन आता है ना, मुझे खाली पता है बस 1.6 के बीटी बाय एम, बेटा 1.6 बीसी का इक्वेशन है, शाबाश 1.6 के बीटी बाय एम ये भी इसका इक्वेशन है, बेटा सी इज इक्वल 1/1.6 आरटी बाय एम ये भी इसका इक्वेशन है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम 1.6 अंडर रूट ऑफ पीवी बाय एम ये इसका इक्वेशन है, शाबाश मेरा डियर, इनफैक्ट बेटा 1.6 अंडर रूट ऑफ पी बाय रो बेटा ये भी इसका इक्वेशन है। दिस इज बेटा योर एवरेज स्पीड, ठीक है मेरा डियर, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। सर केबी का वैल्यू होता है आर डिवाइडेड बाय एनए, एम का वैल्यू आएगा बेटा मास, मास सर दैट इज एम इनटू बेटा एनए, एनए एनए होगा कैंसिल बेटा, वहां पर बनेगा 1.6 आरटी बाय एम, ठीक है मेरा डियर। एज फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एन का वैल्यू 1, पीवी बनेगा आरटी, आरटी के बदले बेटा डालेंगे पीवी, ये बनेगा 1.6 अंडर रूट ऑफ पीवी बाय एम, या मास होता है बेटा रो इनटू वी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम होगा कैंसिल तो पी बाय रो, बेटा चाहे पी बाय रो के फॉर्म में लिख लो, चाहे बेटा पीवी बाय एम के फॉर्म में लिख लो, चाहे बेटा आरटी बाय एम के फॉर्म में लिख लो, चाहे बेटा केबीटी बाय स्मॉल एम के फॉर्म में लिख लो, जो मर्जी, एक ही को बेटा मैंने 4 फॉर्म्स बनाए। चलो बेटा अब दूसरा,
दूसरी स्पीड, शाबाश, दैट इज बेटा जी यूर आरएमएस, आरएमएस रूट मीन, इसको बोलते भी है बेटा रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ब्रैकेट में बेटा आरएमएस, ओके बेटा रूट मीन स्क्वायर स्पीड, आरएमएस स्पीड। आ बेटा इधर आरएमएस क्या है बेटा, ये तो बेटा क्लियर वाजिया है आपको बेटा, रूट के अंदर इधर लेटे बेटा आपके पास एक गैसेस मॉलिक्यूल है बेटा सी आर, ये गैसेस मॉलिक्यूल है इसको बेटा ए नाम रखते हैं, ये बेटा और एक गैसेस मॉलिक्यूल है इसको नाम बी रखते हैं, और एक बेटा गैसेस मॉलिक्यूल है इसको फिर से नाम रखते हैं सी, एंड बेटा और एक बेटा गैसेस मॉलिक्यूल है ये बेटा एंथ गैसेस मॉलिक्यूल है। गैसेस मॉलिक्यूल ए की जो स्पीड है बेटा दैट इज अ सी वन मारिया, एंड गैसेस मॉलिक्यूल बी का स्पीड सी टू है, एंड गैसेस मॉलिक्यूल सी का स्पीड C3 है, एंड nth का बेटा CN है। अब अगर मुझे इन गैसेस मॉलिक्यूल के पास अपनी अपनी स्पीड्स है, इंडिविजुअल स्पीड्स है, ये सारे के सारे बेटा इन गैसेस मॉलिक्यूल के इंडिविजुअल स्पीड्स है, शाबा बेटा इंडिविजुअल स्पीड्स है। अगर मुझे बोलना पड़ेगा व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इनका आरएमएस क्या होगा बेटा, ये आप खुद देखिए आरएमएस रूट मीन मतलब आपको बेटा रूट के अंदर, रूट के अंदर बेटा मीन निकालना पड़ेगा इनके इंडिविजुअल स्पीड्स के स्क्वायर्स का, ये याद रखेगा। रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या है, रूट के अंदर मीन करना पड़ेगा, रूट के अंदर मतलब एवरेज करना पड़ेगा या मीन करना पड़ेगा इनके इंडिविजुअल स्पीड्स के स्क्वायर्स का, मतलब इट इज डिफाइंड एज रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ individual speed of gases molecules means root के अंदर mean करना पड़ेगा, mean के अंदर उन speeds का square करना पड़ेगा, that is why it is known as RMS, RMS का मतलब ही होता है root के अंदर mean करना पड़ेगा, mean मतलब individual speeds के mean करना पड़ेगा, मगर किन के squares का, सो मीन सर स्क्वायर्स का मीन करना पड़ेगा, नजे मेरी ओर मैं लिखूंगा फिर सी आर एम एस इज इक्वल रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल, और नजे मेरी ओर सारे के सारे सी आर एम एस बराबर होता है सारे सारे रूट, ये हो गया रूट, रूट के अंदर क्या करना है, रूट के अंदर क्या करना है मीन, मगर मीन किन को करना है इंडिविजुअल स्पीड इसके स्क्वायर्स का, तो मीन C1 square, C2 square, C3 square, plus so on, up to CN square divided by N. इसी को बेटा बोलते हैं CRMS. रूट के अंदर मीन करना है इंडिविजुअल स्पीड्स के स्क्वायर्स का, यही तो होता है बेटा RMS. ये बेटा याद रखेगा, कितने अच्छे से बेटा समझा रहा हूं ये सर, रूट के अंदर करना पड़ेगा बेटा मीन, मीन किन का बेटा इंडिविजुअल स्पीड, जो गैसेस मॉलिक्यूल है उनकी जो अपनी अपनी स्पीड है उनको करना पड़ेगा मीन, मगर उनके स्क्वायर्स का, दैट इज व्हाट इट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ओके बेटा ये बराबर होता है बेटा जी, जिसको एक आ गया उसको सारा आएगा, सी आर एम एस इज इक्वल बेटा ये बराबर होता है अंडर रूट ऑफ 3 KBT डिवाइडेड बाय m, वो था 8/π, ये होता है बेटा अंडर रूट ऑफ 3, बस बाकी बेटा बिल्कुल सेम है, सारा का सारा जो ऊपर लिखाना आपने, जो यहां पर बेटा आपने लिखाना है बेटा, ये सारे इक्वेशन जो आपने लिखे खाली 8/π की जगह 3 आएगा, बाकी बेटा बिल्कुल सेम है, तो मैं लिखूंगा सर ये बनेगा ORR CRMS is equal under root 3 होता है बेटा 1.7 under root of बेटा KBT by small m, क्योंकि अंडर रूट 3 होता है बेटा 1.7 ORR, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, शाबाश। और भी लिख सकते हैं सर CRMS is equal to 1.7 अंडर रूट ऑफ, मैंने अभी कन्वर्ट किया था KBT by small m को कन्वर्ट किया था किसमें बेटा जी RT by capital M in terms of molecular mass, ORR हम ये भी लिख सकते हैं CRMS is equal 1.7 under root of as per the ideal gas equation PV is equal to NRT, N का वैल्यू 1, RT आएगा PV के बराबर, RT के पहले लिखेंगे PV by capital M,
सर और एक इक्वेशन, बाकी बिल्कुल सेम, वो सेम है, खाली वेरियो इधर, खाली 8/π की जगह डालना है, 1.6 की जगह डालना है, यहाँ पर अंडर रूट 3 है, 1.7 डालना है, बाकी बिल्कुल सेम। शाबाश, मास होता है डेंसिटी टू वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम होगा कैंसल, ये बनेगा 1.7 अंडर रूट ऑफ पी बाय रो, दैट इज इट। हो गया बेटा सीआरएमएस, शाबाश सीआरएमएस खत्म। चलो बेटा ओके शाबाश, अब नेक्स्ट बेटा मोस्ट प्रोबेबल, तीसरा जो है जिसको एक आ गया उसको तीनों आ गए। बेटा एक ही इक्वेशन को मैं चार चार बना रहा हूं, मीन्स पहले के चार, दूसरे के चार, तीसरे के चार, हो गए 12, एंड मीन्स एक जगह 8/π, दैट इज अंडर इधर 8/π, अंडर रूट ऑफ 8/π का वैल्यू होता है बेटा 1.6, एंड यहां पर अंडर रूट 3 है, दैट इज 1.7, बाकी बिल्कुल सेम, KBT/m, RT/m, ओके मेरा डियर, PV/m, एंड बेटा P/ρ, बाकी बिल्कुल सेम। चलो अब नेक्स्ट बेटा तीसरा स्पीड जो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसको बेटा डिनोट करते हैं हम किससे सर जी, इसको बेटा डिनोट करते हैं CMP से, इसको बेटा बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता क्या है, सारे के सारे बेटा गौर फरमाएगा, जब भी बेटा बात करेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की, बेटा जो भी याद रखेगा सर, जितने भी बेटा आपके पास गैसेस मॉलिक्यूल है उनका बेटा जो भी स्पीड ज्यादा रिपीटेड टाइम आता है सर, द स्पीड दैट इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। बेटा लेट इट बी, आपके पास इधर गैसेस मॉलिक्यूल बेटा ए है, ये बेटा गैसेस मॉलिक्यूल बी है, ये बेटा गैसेस मॉलिक्यूल सी है, ये गैसेस मॉलिक्यूल डी है, ये बेटा गैसेस मॉलिक्यूल ई है। अगर मैं इनको बोलूंगा इनमें मोस्ट प्रोबेबल क्या है, कौन सा बेटा स्पीड मोस्ट प्रोबेबल होता है, मैंने अभी बेटा बोला मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो स्पीड होता है जो गैसेस मॉलिक्यूल बेटा ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करता है। लेट बेटा इसकी स्पीड है, इस गैसेस मॉलिक्यूल की स्पीड है 2 m/s, इसका है बेटा 4 m/s, इसका है 6 m/s, इसका है बेटा 10 m/s, इसका है 2 m/s। कौन सी बेटा इन 5 गैसेस मॉलिक्यूल में, ABCDE, मेरे पास 5 गैसेस मॉलिक्यूल है, इनमें कौन सी बेटा स्पीड रिपीटेड है, जो बेटा रिपीट हो गई है, दैट स्पीड इज बेटा 2 m/s। सो मीन्स 2 m/s इसका बनेगा बेटा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये याद रखेगा। सो 2 m/s इसका बनेगा बेटा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सो मीन्स ऐसा स्पीड बेटा जो गैसेस मॉलिक्यूल ज्यादा बार रिपीट करता है, यहां पर बेटा गैसेस मॉलिक्यूल ने जो स्पीड रिपीट किया है दैट इज बेटा 2 m/s, क्योंकि बेटा वही रिपीट हुआ है, जो भी स्पीड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है दैट इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल। मैं लिखूंगा सर, इट इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ gaseous molecules which is repeated by them in maximum number of times or frequently repeated, जो बेटा बार बार रिपीट करेगा, शाबाश, उस स्पीड को बेटा आप बोलते हैं क्या, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये किसके बराबर होता है, CMP, नजर मेरी ओर, पहले आया अंडर रूट ऑफ 8/π, फिर आया बेटा कौन, शाबाश अंडर रूट 3, फिर बाकी सारे सेम, यहां पर आता है बेटा अंडर रूट ऑफ 2 KBT/m, बाकी बिल्कुल सारा सेम, एंड अंडर रूट 2 का वैल्यू होता है, हम ये भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का वैल्यू होता है 1.41, मैंने लिखा 1.4 अंडर रूट ऑफ बेटा KBT/m, शाबाश। और दूसरा इक्वेशन खुद बना लो अब, इधर अब मुझे बनाने की जरूरत नहीं, अभी याद हो गया जबानी, अंडर रूट ऑफ, शाबाश सर 1.4 आगे KBT के बाद लिख सकते हैं RT/M, बता चुका हूं मैं ऊपर, शाबाश CMP is equal 1.4 under root of ideal gas equation, PV is equal to nRT, n का value 1, sir RT आएगा PV के बराबर, तो RT के बदले PV/M, शाबाश। और एक equation C most probable is equal 1.4 under root of PV/ mass होता है, mass होता है density into volume, volume volume cancel होगा, ये बनेगा P/ρ, बड़ा इसके चार equation बन गए।
मैंने अभी बोला था ना शबाश, मैंने अभी बेटा आपको बोला था जिसको एक आएगा उसको चारों आएंगे, बाकी बेटा बिल्कुल सारे सेम है। वहां पर पहले में यहाँ पर टू की जगह था एट बाई पाई, दूसरे में आर एम एस में यहाँ पर होता है अंडर रूट थ्री, एंड यहाँ पर आता है बेटा थ्री की जगह टू आता है, बाकी बिल्कुल सेम है। ये हो गया बेटा आपके पास टाइप्स ऑफ स्पीड्स। ठीक है मेरा डियर, क्वेश्चन नंबर तीसरा भी कंप्लीट। चलो बेटा ओके, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर चार। सर बायलर्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलोसिक्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, ग्राम्स लॉ। चलो बेटा अब करते हैं नेक्स्ट। चलो मेरा डियर क्वेश्चन नंबर चार, बेटा ये आज खत्म हो जाएगा केटीजी वन शॉट में। अब बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा। चलो बेटा अब एक्सप्लेन करते हैं इन सारों टर्म्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, शाबाश बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा सर एक्सप्लेन करना है बेटा, क्या क्या एक्सप्लेन करना है? एक तो बेटा एक्सप्लेन करना है, शाबाश बेटा जी, एक्सप्लेन करना है मीन। सर क्या क्या एक्सप्लेन करना है बेटा? पहले मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, शाबाश। एंड उसके बाद एक्सप्लेन करना है बाकी बाकी चीजें। क्या क्या था? मीन फ्री पाथ, एंड दूसरा था चार्ल्स ला, चार्ल्स ला, ओके, बायलर्स ला, गैलोसिक्स ला, डाल्टन्स ला, बड़ा आसान तरीके से, एंड ग्राम्स ला, ग्राम्स ला ऑफ डिफ्यूजन। और इसी के साथ और एक ला, डुलोंग एंड पिटेट ला, डुलोंग एंड पिटेट ला। ये पहले खत्म करेंगे एक ही क्वेश्चन में सारे कवर। ठीक है मेरा डियर, क्या क्या है बेटा जी? शाबाश मेरा डियर, एक तो बेटा आपके पास मीन फ्री पाथ, चार्ल्स ला, बायलर्स ला, गैलोसिक्स ला, डाल्टन्स ला पार्शियल प्रेशर, ग्राम्स ला डिफ्यूजन, एंड डुलोंग एंड पिटेट ला। चलो बेटा जी ओके, ये इनको उड़ा देते हैं। चलो पहला मीन फ्री पाथ, सर पहला डिफाइन करना है सर मीन फ्री पाथ। चलो बेटा जी मेरी ओर सारे के सारे गौर फरमाएगा। सर मीन फ्री पाथ क्या है? अबे बेटा केटीजी में पढ़ा चुका हूँ, पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी मैंने बोला। अगर बेटा यहाँ पर एक गैसेस मॉलिक्यूल है, इसने बेटा कोलाइड किया, सर कोलूजन किया, बेटा ये गैसेस मॉलिक्यूल है, इसने यहाँ पर कोलूजन किया, फर्स्ट कोलूजन। एंड फिर बेटा उसके बाद हमें पता है जब भी बेटा गैसेस मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, हर कोलूजन के बाद इनका डायरेक्शन भी चेंज होता है, वेलोसिटी भी चेंज होता है। लेट बेटा इनका नेक्स्ट कोलूजन बेटा इसने यहां पर किया, शाबाश गैसेस मॉलिक्यूल ने आपस में यहां कोलाइड किया, हमने बोला ये बेटा उसका दूसरा कोलूजन हो गया, सेकंड कोलूजन। मैंने बेटा बोला था सर दो कंसेक्यूटिव कोलूजन के बीच में जो बेटा पाथ होता है, दैट पाथ इज नोन एज मीन फ्री पाथ। बोला ना मैंने अभी, सर अभी मैंने बोला था केटीजी में पढ़ा चुका हूं सर, द पाथ दैट इज अटेनड बाय गैसेस मॉलिक्यूल बिटवीन द टू सक्सेसिव और टू कंसेक्यूटिव कोलूजन, दो कंसेक्यूटिव कोलूजन, इधर कोलूजन हुआ फिर आगे हुआ, दो सक्सेसिव कोलूजन के बीच में जो पाथ होता है, path is known as mean free path. So mean is, sir, it is defined as path attained by a gaseous molecule between the two successive or consecutive collusion. इसको बेटा क्या बोलते हैं? It is defined as a path, बेटा जो gaseous molecule attain करते हैं between the two successive collusion या बेटा two consecutive collusion. That path is known as mean free path. And mean free path को बेटा इधर let it बेटा सारे के सारे ध्यान मेरे हो सारे के सारे. ये बेटा इधर gaseous molecule है. कोलाइड किया, शाबाश इन्होंने कोलाइड किया, हमें पता है जब भी गैसेस मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं हर कोलूजन के बाद अपना डायरेक्शन भी चेंज करेगा, वेलोसिटी भी चेंज करेगा, गया इधर
फिर से कोलाइड किया, शाबाश सर, हमें पता है जब बेटा इधर गैस मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, हर कोलूशन के बाद डायरेक्शन भी चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज हो गया, गया इधर डायरेक्शन भी चेंज, वेलोसिटी भी चेंज, इसके बाद फिर से कोलाइड किया, गया इधर, शाबाश, फिर से कोलाइड किया, गया इधर, मीन्स दैट इज वाई हर कोलूशन के बाद गैस मॉलिक्यूल अपना डायरेक्शन भी चेंज करता है, वेलोसिटी, दैट इज वाई ये पाथ ज़िगज़ैग होता है, पहले बेटा इधर कोलूशन किया फर्स्ट, फिर बेटा यहाँ किया सेकंड, फिर बेटा यहाँ किया थर्ड, फिर यहाँ पर कोलूजन किया फोर्थ, फिर बेटा यहाँ पर कोलूजन किया, अब दो कोलूजन के बीच में जो पाथ होती है दैट इज नोन एज मीन फ्री पाथ, ठीक है मेरा डियर, उसको मैं डिनोट करूंगा उस डिस्टेंस को लैम्डा वन, सेकंड और थर्ड को बेटा लैम्डा टू, एंड थर्ड और फोर्थ कोलूजन के बीच में लैम्डा थ्री, एंड फोर्थ और फिफ्थ के बीच में बेटा लैम्डा फोर, सो ऑन। अगर बेटा इन सब का मैं इधर एवरेज निकालूंगा सर, वो लैम्डा आएगा, लैम्डा मीन इनका बेटा दैट इज इक्वल टू, जिसको आप मीन फ्री पाथ बोलते हैं, सो वो बराबर होता है बेटा के बी टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू पाई डी स्क्वायर रो, बेटा ये फॉर्मूला सारे याद रखेंगे। सर मीन फ्री पाथ किसके बराबर होती है बेटा, गैसेस मॉलिक्यूल बेटा जो भी इन्होंने पाथस अटेन किए, अगर इन सब का बेटा मैं मीन निकालूंगा, दैट मीन इज इक्वल टू के बी टी अंडर रूट ऑफ टू पाई डी स्क्वायर रो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। वायर बेटा, वायर के बी होता है बोल्टमैन कॉन्स्टेंट, वो एग्जाम में ऐसे लिखोगे, ये लास्ट ईयर आया है बेटा दो नंबर का, ई होता है इसका टेम्परेचर, एंड डी होता है बेटा साइज ऑफ, डी होता है डी स्क्वायर साइज ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल या डायमीटर भी बोलेंगे, रो उसका होता है बेटा डेंसिटी, एंड अंडर रूट टू इज द कॉन्स्टेंट, पाई इज द कॉन्स्टेंट, ओके बेटा जी, शाबाश, चलो गुड। सो बेटा ये क्या होता है, शाबाश, दिस इज योर मीन फ्री पाथ, याद रखे बेटा इतना ही आप लिखेंगे एग्जाम में, ये आया था एक नंबर के दो नंबर में, सर सारे के सारे, और एक पॉइंट लिखेंगे आप, लैम्डा मीन, मीन फ्री पाथ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड लैम्डा मीन होता है बेटा इनवर्सली दो चीजों का, वन इज बेटा डी स्क्वायर दैट इज साइज ऑफ पार्टिकल, एंड लैम्डा मीन होता है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो दैट इज बेटा डेंसिटी। टेम्परेचर ज्यादा होगा मीन फ्री पाथ ज्यादा होगा, सर डायामीटर साइज जितना ज्यादा होगा मीन फ्री पाथ उतना कम होगा, साइज बेटा छोटा होगा मीन फ्री पाथ का वैल्यू ज्यादा होगा, डेंसिटी बेटा जितना ज्यादा होगा मीन फ्री पाथ का वैल्यू कम होगा, जितना डेंसिटी कम होगा उतना मीन फ्री पाथ का वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है मेरा डियर, ये हो गया मीन फ्री पाथ कंप्लीट, ओके बेटा। उसके बाद दूसरा टर्म, शाबाश मेरा डियर, दूसरा टर्म जो है इसमें, शाबाश बेटा, दूसरा अब लॉज है, चलो अब लॉज को बेटा सारे खत्म करते हैं, पहला लॉ है बेटा बायलज लॉ, ओके बेटा बायलज साहब, शाबाश बायलज लॉ, ओके बेटा सी चला जा, शाबाश यार, रोजा याद यार, मीन फ्री पाथ रोजा याद, हाँ मीन फ्री पाथ क्या आसान, सर जब भी बेटा आपके पास गैसेस मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, हर कोलूजन के बाद अपना डायरेक्शन भी चेंज करता है, वेलोसिटी भी चेंज करता है, सर द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलूजन या द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव कोलूजन इज नोन एज मीन फ्री पाथ, एंड मीन फ्री पाथ का वैल्यू होता है केबीटी अंडर रूट ऑफ टू पाई डी स्क्वायर रूट, वायर बेटा के इज द बोल्टमैन कॉन्स्टेंट, टी इज द टेम्परेचर, डी इज द डायमीटर या साइज ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल, एंड रो इज द डेंसिटी, इसको साइज भी बोलते हैं और डायमीटर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, ठीक है बेटा जी, शाबाश, क्या रहा मेरा डियर, शाबाश शाबाश। अब बेटा बायलज लॉ, बायलज क्या बोलता है, अब ध्यान मेरे और सारे के सारे, बायलज लॉ क्या बोलता है बेटा, ये सबसे आसान याद रखाऊंगा मैं, ये आप कभी भूलेंगे नहीं बेटा, बायलज लॉ सर, बायलज साहब क्या बोलता है सर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, अगर बेटा मैं एक गैस ले लूंगा इधर सर, कहां पर, एक सिलेंडर में, या बेटा आपने गैस बीकर में लिया, आपने इसको बेटा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट किया, मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस, सबको पता है सर, लेट इट बेटा मैंने गैस लिया सर, उस गैस को बेटा मैं टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कर रहा हूं, अब बचा कौन, फिर हमारे पास तीन पैरामीटर होता है, पीवीटी, पीवीटी प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या किया कॉन्स्टेंट सर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट किया, उसके बाद मैंने अब गैस को होगा क्या,
अब बचा कौन कौन? बचा बेटा प्रेशर एंड वॉल्यूम। जब भी बेटा किसी भी गैस का आप अकॉर्डिंग टू द बायोलॉज सर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट करेंगे, बचा कौन? बचा कौन? बचा बेटा प्रेशर एंड वॉल्यूम। सर प्रेशर और वॉल्यूम क्या करेंगे आपस में? समथिंग समथिंग। कौन सा समथिंग करेंगे? सर मेरी ओर, सर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑफ एनी गैस दैट इज पुट इन एनी सॉर्ट ऑफ कंटेनर, देन बेटा याद रखेगा इसका प्रेशर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है मेरा डियर? सो अकॉर्डिंग टू द बॉयलर्स एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। मैं लिखूंगा सर अकॉर्डिंग टू, इतना ही लिखेंगे आप, बायलर्स लॉ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, शाबाश, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्या बोलेंगे, द प्रेशर ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to its volume. इसका मतलब हुआ मोर वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा सो मोर प्रेशर चेंज, ज्यादा प्रेशर चेंज आएगा, सो इनवर्स रिलेशन है, सो लेस वॉल्यूम चेंज, एंड बेटा इधर मोर वॉल्यूम, मोर वॉल्यूम तो बेटा लेस प्रेशर, एंड लेस वॉल्यूम बेटा मोर प्रेशर, इनवर्स रिलेशन वही हो गया बेटा, P is inversely proportional to V। बेटा ये याद रखेगा according to the Boyle's law, अगर आप बेटा temperature constant रखेंगे, मतलब एक गैस लिया कंटेनर में आपने उसको temperature constant किया isothermal, ठीक है मेरा डियर, एंड वहां पर बच्चा क्या बेटा, that is your pressure and the temperature, उनके बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, that is inversely proportional। बेटा उससे यार हमें पता है बेटा thermodynamic system है बेटा, जिन quantities का हम बेटा देखते हैं टाइम के साथ चेंज करे, या तो प्रेशर या तो वॉल्यूम या टेम्परेचर, तीनों में से कोई ना कोई बेटा टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। यहां पर बेटा मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, एंड आई एम नोटिंग एज पर द बायलॉज प्रेशर इज गोइंग टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम, वॉल्यूम कम प्रेशर ज्यादा। सो मैं लिखूंगा सर एट टेम्परेचर कांस्टेंट, शाबाश क्या बोला इसने, शाबाश जरा इक्वेशन बोल, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सर मैं लिख सकता हूं नाजे मेरी ओर, सर मैं ये लिख सकता हूं ORR PV is equal to some constant, ठीक है बेटा, जरा अगर कंपेयर करेंगे सर बनेगा P1V1 is equal to P2V2 जो हम लिखते हैं, अगर किसी को ऐसे कोई इस तरह लिख सकता है ORR P is inversely proportional to volume, अगर कंपेयर करेंगे ये बनेगा P1/P2 is equal to inverse है V2/V1, जरा क्रॉस कर लो वही हो गया P1V1 is equal to P2V2। हम लिखते हैं ना बेटा एट आइसोथर्मल कंडीशन, सब लिखते हैं, सबने लिखा होगा हजार बार फिजिक्स में, एट आइसोथर्मल कंडीशन पे, सर आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, एट आइसोथर्मल कंडीशन हम लिखते हैं ना P1V1 होता है बराबर P2V2, एक्चुअली बायोलॉजी लॉ से आता है, जो आप लिखते हैं P1V1 is equal to P2V2, ये आप लिखेंगे बेटा एग्जाम में बराबर इक्वेशन, ठीक है मेरा डियर, ये हो गया बायोलॉजी लॉ। चलो आप बेटा चार्ल्स लॉ, चलो बेटा चार्ल्स लॉ, ओके मेरा डियर शाबाश। ओके बेटा आप आपके पास कौन बेटा कॉन्स्टेंट हो गया, शाबाश टेम्परेचर हो गया, जल्दी जल्दी उतार लो, शाबाश बेटा डियर, जल्दी जल्दी। चलो बेटा ओके शाबाश, अब चार्ल्स ला, अब बेटा चार्ल्स क्या बोलता है, अगर बेटा आप गैस किसी भी इधर थर्मोडायनेमिक सिस्टम में ले लेंगे या कंटेनर में ले लेंगे, लेट इट बी इधर, इसका बेटा अगर आप एट
सर कहां पर? अगर बेटा आप ए एट सारे के सारे ध्यान मेरी ओर। सर अभी आपने क्या कॉन्स्टेंट किया बेटा? सारे के सारे ध्यान मेरी ओर। आपने बेटा कॉन्स्टेंट क्या किया? अभी टेम्परेचर। यहां पर बेटा प्रेशर करते हैं, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सारे के सारे ध्यान मेरी ओर। अगर सर इस गैस का मैं कॉन्स्टेंट प्रेशर करूंगा, मतलब पी कॉन्स्टेंट। सर जब प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज आइसोबारिक। ये याद रखेगा, आइसोबारिक। अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट रखेंगे, बचा कौन फिर वहां पर? बचा बेटा टीवी। बचा ना भाई टीवी, टीवी देखना है चार्ल्स ला, बचा टीवी। ये बेटा इस तरह अच्छे से याद रहेगा, टीवी। सर टेलीविजन बच गया आप सर, क्योंकि प्रेशर हो गया कॉन्स्टेंट। अब बच गया खाली टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। सर टेम्परेचर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, या वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। ये याद रखेगा सारे। सो मीन्स सर, अगर बेटा किसी भी गैस का कॉन्स्टेंट प्रेशर करेंगे, देन व्हाट वी आर गोइंग टू नोटिस सर, दैट द टेम्परेचर ऑफ एनी गैस इज गोइंग टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब मोर द वॉल्यूम, मोर द टेम्परेचर, मोर इज द वॉल्यूम चेंज, एंड बेटा लेस द टेम्परेचर, शाबाश, लेस इज द वॉल्यूम चेंज। कॉमन सेंस बेटा, जितना आप टेम्परेचर ज्यादा देते हो इधर, सर आपके गैसेस बेटा ज्यादा ज्यादा एक्सपेंड करते हैं। सर जितना एक्सपेंशन ज्यादा बेटा, वॉल्यूम चेंज ज्यादा होगा। एंड बेटा जो ही आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, आप हीट रिजेक्ट करते हो। जरा बेटा जो ही हीट रिजेक्ट करते हैं, गैस मॉलिक्यूल बेटा कंप्रेस होते हैं। कंप्रेस मतलब कंप्रेशन, बेटा उनका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। दैट इज वाई टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे वॉल्यूम घटेगा। मगर कहां पर? एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। कौन सा ला? चार्ल्स ला। शाबाश। एट अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ला, at constant pressure, the temperature of the gas is directly proportional to its volume. So more temperature, more is volume change. So less temperature, क्योंकि direct relation है, less temperature, less is volume change. Okay मेरा dear? So equation बनाएंगे, at constant pressure, मतलब P है constant. So क्या बोला मैंने? Temperature is directly proportional to volume. इसका मतलब हुआ sir, T1 divided by T2 is equal to V1 divided by V2. Or, बेटा जरा क्रॉस कर लो, शाबाश। डायरेक्ट रिलेशन में हम सीधे लिखते हैं, T1 by T2 आएगा V1 by V2, बेटा जरा क्रॉस करो, ये बनेगा T1 V2 is equal to, शाबाश, T2 V1। कोई ये भी लिख सकता है, या कोई ये भी लिख सकता है, or, T by V is some constant C। कोई ये भी लिख सकता है, T by V is equal to some constant C. Okay, बेटा वही हो गया। अगर आप इसको करोगे, ये बन गया बेटा T1 by T2 is equal to क्या? V2, V1 by V2. ठीक है मेरा डियर, डायरेक्ट है। सो बेटा क्रॉस कीजिए, वहां से आपके पास आंसर आएगा। ठीक है मेरा डियर, शाबाश। चलो मेरा डियर, शाबाश शाबाश। हो गया बेटा, ये कौन सा ला हो गया? ये हो गया आपके पास चार्ल्स ला। चलो बेटा, अब नेक्स्ट जो है गैलोसिक्स ला, गैलोसिक्स। ओके बेटा, तीसरा, दैट इज योर गैलोसिक, गैलोसिक ला। ओके बेटा, गैलोसिक्स ला। चलो बेटा, अब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट किया, प्रेशर कॉन्स्टेंट किया, बारी है बेटा खाली वॉल्यूम की है। सो यही बोलता है गैलोसिक्स ला, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि अब यही बच गया। शाबाश, मतलब अगर वॉल्यूम बेटा रखेंगे कॉन्स्टेंट, प्रोसेस कौन सा होता है? आइसोकोरिक। इस प्रोसेस को बेटा आइसोकोरिक बोलते हैं। सर गैलोसिक्स क्या बोलता है? अगर बेटा वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट करोगे सर जी, फिर बचा कौन? बचा कौन? बचा प्रेशर एंड टेम्परेचर। सर प्रेशर और टेम्परेचर को क्या होगा? समथिंग समथिंग होगा। सर क्या होगा? देख क्या होगा, और देख क्या होगा सर, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, दैट इज आइसोकोरिक, सर द प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पीटी पीटी याद रखेगा, सुबह सुबह उठो बेटा, पीटी कर लो, पीटी कर लो। एंड जब बोर करोगे चार्ल्स ला, टीवी देख लो। अगर गैलोसिक्स से क्या बोल रहा है, जब बेटा सुबह उठोगे अर्ली इन द मॉर्निंग, पीटी कर लो, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। मतलब बेटा एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू गैलोसेक्स लॉ एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर. सो टेम्परेचर ज्यादा शबाश टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर मोर इज प्रेशर चेंज. जितना टेम्परेचर ज्यादा प्रेशर भी ज्यादा चेंज. जितना बेटा टेम्परेचर कम लेस टेम्परेचर, टेम्परेचर कम बेटा प्रेशर भी लेस होगा, प्रेशर चेंज भी लेस होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन. ओके बेटा बिल्कुल आसान. सो लिखेंगे शाबाश, कितना आसान बना दिया बेटा. चल आ जा लिखेंगे सर. एट कॉन्स्टेंट क्या बेटा? वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम क्या है? कॉन्स्टेंट. प्रोसेस कौन होता है? वॉल्यूम कॉन्स्टेंट मतलब आइसोकोहरिक. आप क्या बोला इसने? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इसका मतलब हुआ पी वन बटे पी टू आ गया बराबर टी वन बटा टी टू. जरा क्रॉस कर लो, पी वन बटे टी टू इज इक्वल टू बेटा टी वन या पी टू टी वन, ये भी आप लिख सकते हैं. शबा बेटा, ये हो गया कौन सा ला? चार्ल्स ला एज वेल एज गैलोसिक्स ला एज वेल एज बायलर्स ला. ठीक है मेरा डियर, बिल्कुल आसान 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 है बेटा. बिल्कुल ये आप आराम से एग्जाम में इनको खा जाओगे आप आराम से. चलो बेटा अब आते हैं नेक्स्ट ला. पांचों ला बेटा एक ही साथ करेंगे, छह के छह ला एक ही साथ. चौथा ला वो सारे ला खत्म एग्जाम में समझिए कहानत का ला बेकुदा आसान चीज. चलो अब नेक्स्ट ला है ग्राम्स ला. ग्राम्स ला ऑफ डिफ्यूजन. नाजरे मेरी हो बेटा अगर आपके पास कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल है बेटा वो डिफ्यूज कर रहा है, मतलब उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना है. कितना डिफ्यूज करेगा? क्या ये जल्दी करेगा? क्या बेटा बहुत टाइम लगाता है? क्या मेरे नाक बेटा यहाँ पर कोई गैस लीक हो गई? क्या मुझे नाक तक स्मेल जल्दी आती है? क्या यहाँ बहुत टाइम लेती है? मीन्स गोया के बेटा मेरे पास कोई भी गैस है, अगर किसी भी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना है, ग्राम साहब क्या बोलता है? When ever my dear student, you wanna calculate the rate of diffusion of any gaseous molecule, किसी भी gaseous molecule का, किसी भी gas का rate of diffusion निकालना चाहते हो, क्या ये diffuse जल्दी होगा? क्या ये diffuse बहुत टाइम लेगा? क्या ये मेरे नाक तक इधर जल्दी स्मेल आती है, मतलब diffuse faster होता है? अगर मुझे ये निकालना है किसी भी gas का rate of diffusion, so according to, देखो ग्राम क्या बोलता है, according to ग्राम्स law of diffusion, the rate of diffusion, अगर किसी भी gaseous molecule का rate of diffusion निकालना है, the rate of diffusion of any gaseous molecule is, शाबाश. अब इसके आगे लिखवा दो सर, क्या होगा? सर याद रखेगा, अकॉर्डिंग टू द ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, बड़ा किसी भी गैस मॉलिक्यूल का अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालोगे इज इनवर्सली, ओ ये याद रख, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दियर स्क्वायर रूट ऑफ, ये था याद है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ दियर डेंसिटीज. ये था वो याद, दिस इज इंपॉर्टेंट. सो ग्राम्स लॉ बोलता है अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना है किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल का, दैट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज. सो माय डियर आई कैन राइट, सो सर आर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन, सर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी. वही हो गया, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रो. व्हाट इज द रो? डेंसिटी. वायर R is rate of diffusion, शबाश, ओके बेटा जी, एंड रो जो है दैट इज डेंसिटी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल. वही तो मैंने बोला ना, किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल का रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी. बेटा इसका मतलब हुआ जिस मॉलिक्यूल के पास मोर द डेंसिटी ऑफ
more the density of gaseous molecule, less is its rate of diffusion. जितना गैसेस मॉलिक्यूल बेटा भारी होगा, हेवियर होगा, डेंसर होगा बेटा, वो ज्यादा डिफ्यूज नहीं होता है. एंड बेटा जो गैसेस मॉलिक्यूल का डेंसिटी कम होगा, लाइटर, उसका बेटा डिफ्यूजन ज्यादा होगा. दैट इज वाई माय डियर, लाइटर जो गैसेस मॉलिक्यूल है वो बेटा जल्दी डिफ्यूज होते हैं. दैट इज वाई माय डियर, लाइटर गैसेस मॉलिक्यूल जो हल्के होते हैं बेटा वो जल्दी डिफ्यूज होते हैं, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी. मोर द डेंसिटी ऑफ गैस मतलब मोर डेंसर है, मोर हेवियर है, लेस इज इट्स रेट ऑफ डिफ्यूजन, बड़ा ज्यादा जल्दी डिफ्यूज नहीं होगा. एंड लेस द डेंसिटी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, मोर इज इट्स रेट ऑफ डिफ्यूजन. So that is why बेटा जो gaseous molecules lighter होते हैं, चर्चर जो हल्के होते हैं, उनका obviously density क्या होता है lighter का, सबसे कम. That is why उनका inverse relation है, अगर density कम है तो rate of diffusion क्या होगा, ज्यादा. That is why यहां पर लिखेंगे सर, that is why lighter gaseous molecules diffuse faster, yeah, have high rate of diffusion, diffuse faster than heavier gas molecules. What are lighter gases molecules have? Lighter gases molecules have high rate of diffusion than denser ya heavier gas molecules. Okay beta, शबाश. ये कौन सा ला? ग्रामर्स ला. तो बेटा आप जरा देख, ग्रामर्स ला ने बोला रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटीज. जरा बेटा इधर, हमें पता है, सारे के सारे गौर फरमाएगा बेटा. सर अगर बेटा कोई गैसेस मॉलिक्यूल इधर, अगर कहा गैसेस मॉलिक्यूल सर, वो छोटा होगा, लाइटर होगा बेटा, वो तेज भागेगा, स्पेक्टिकुलर पड़ती है, नजर कमजोर पड़ती है बेटा, नटराज पेंसिल की तरह वो तेज भागेगा. अगर उसका बेटा क्या है सर, लाइटर है मतलब गोबचन के डुबडुबीशन में गमस के. दूसरा गैसर मॉलिक्यूल वो बड़ा है, डुबडुबीशा गमस बड़ा, इसका पेट बाहर आ है बड़ा, वो भागेगा नहीं तेज. ठीक है मेरा डियर. तो मैं एक्चुअली बोलूंगा सर, जो इधर रेट नजर मेरी और सर, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है एक्चुअली ये बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी को. मतलब जितना गैसेस मॉलिक्यूल का एक्चुअली स्पीड होगा उतना बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा. कॉमन सेंस अगर ध्यान में रहियो बेटा, गैसेस मॉलिक्यूल लाइटर है क्या पाए, उसकी स्पीड क्या होगी, तेज. अगर स्पीड तेज होगी रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, तेज, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवन स्पीड ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल. मैं लिखूंगा ऑल्सो rate of diffusion is directly proportional to speed of gaseous molecule. Agar sare direct hai nazar meri ho sare ke sare, main likhunga sir then idhar r is directly proportional, is tarah likhunga main. C is directly proportional to R and R is inversely proportional to square root of rho. शाबाश बेटा. इसका मतलब हुआ इधर सर, अगर बेटा इधर ध्यान मेरी ओर, डेंसिटी कम, लाइटर मतलब स्पीड क्या होगा, ज्यादा. स्पीड ज्यादा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, ज्यादा. तो मैं लिखूंगा सर, जितना बेटा डेंसिटी कम होगा, लाइटर होगा, उसका बेटा याद रखेगा सर स्पीड होगा ज्यादा. स्पीड ज्यादा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा. जितना गैसेस मॉलिक्यूल डेंसर होगा उसकी स्पीड भी कम होगी, स्पीड भी कम तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम होगा. शाबाश बेटा. ठीक है मेरे डियर, ये था बेटा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. शाबाश बेटा, एग्जाम में ऐसे लिखोगे आप. चलो बेटा जी, अब नेक्स्ट. शाबाश, चलो गुड. अब नेक्स्ट बेटा, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर्स. चलो बेटा, ओके, डाल्टन्स लॉ.
अब बेटा ई डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। चलो बेटा ओके, चलो बेटा शाबाश, जल्दी जल्दी उतारो जिसको उतारना है, शाबाश मेरा डियर। ये याद रहा बेटा, जितना डेंसिटी कम लाइटर है, लाइटर गैस मॉलिक्यूल का स्पीड ज्यादा होगा, अगर स्पीड ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा। जितना गैस मॉलिक्यूल बेटा हेवियर है, डेंसिटी ज्यादा, उसका स्पीड बेटा कम होगा, अगर स्पीड भी कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम होगा। दैट इज वाई लाइटर जो होते हैं, लाइटर गैसेस मॉलिक्यूल डिफ्यूज फास्टर, बेटा उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होता है रादर देन द गैस मॉलिक्यूल विच आर डेंसर। जो हेवियर होते हैं उनकी कम होती है, या जो लाइटर होते हैं उनके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन बेटा सबसे ज्यादा होता है। चलो बेटा आप ग्राम्स डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, चलो बेटा ओके। चलो बेटा शाबाश, चलो बेटा ओके, हो गया उतार लिया, शाबाश। अब डाल्टन्स लॉ क्या है सर, प्लीज आज इतना ही पढ़ाएगा प्लीज सर, क्यों आज क्यों इतना ही खत्म करना है, अब क्या पहुंच गए, अब तरह तरह कहां पहुंच गए। डाल्टन्स लॉ ओके, उसके बाद क्या है, डुलोंग एंड पिटेड लॉ भी है, डुलोंग एंड पिटेड लॉ भी है, फिर दो ही क्वेश्चन है, फिर दो ही और इसके साथ खत्म होगा। अगर यहाँ पर ही रुकना चाहते हो चलो फिर कल यहाँ से क्लियर करते हैं, फिर चलो यहाँ से कल पढ़ा देता हूँ, आज इतना ही पढ़े। जरा चैट बॉक्स में मुझे बोलो इतना ही कि कैरी आगे करेंगे मुंह के बड़ा, आज खत्म करेंगे कि कल बड़ा, अब ये आधा घंटा लगेगा हमें बस, और इसी के साथ खत्म बड़ा, बोलो आज ही खत्म करना है कि कल, जल्दी जल्दी मुझे बोलो, शाबाश मैं तैयार हूँ बड़ा, बोलो जल्दी जल्दी, लेट मी द चैट बॉक्स वेरी फास्ट, अभी खत्म करना है कि कल खत्म करना है, अभी करना है कि कल करना है सर, कंटिन्यू। चलो बेटा शाबाश, जल्दी जल्दी, अभी के कल, अभी के कल, बोलो जल्दी जल्दी सर, नहीं सर कंटिन्यू कंटिन्यू सर प्लीज टुमारो, और डाल्टन डुलोंग एंड पिटेड करते हैं फिर, इतना ही सर, इतना ही सर, कल करेंगे रुतबा, इतना ही सर, सर नो सर आज इतना ही प्लीज। क्या करें बेटा, आओ जल्दी जल्दी बता दो, आज केटीजी दो घंटे में खत्म होता बेटा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन जीके बोर्ड में नहीं आएगा, सारा केटीजी पढ़ाई, इतने ही टॉपिक केटीजी के सिलेबस में, गणेश लॉस पांच टेंपरेचर गर्मी और लाफ इक्विपार्शन ऑफ एनर्जी, बाद गई मीन थ्री फॉस्फेट्स ऑफ केटीजी, बाद गो उसके बाद बेटा ये टाइप्स ऑफ मॉलिक्युलर स्पीड्स, बाद गो मैक्सवेल, बेगो एवोगाड्रोस नंबर, वही है बेटा डाल्टन्स लॉ पार और ग्राम्स लॉ, वो भी हो गया, चार्ल्स लॉ बायलोज लॉ हो गया, अब बेटा ये बचता है डाल्टन्स लॉ, और बचता है बेटा डुलोंग एंड पिटेड लॉ, एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस एंड बेटा मैक्सवेल, अब बेटा तीन टॉपिक है बस, और उसी के साथ खत्म होगा, और उसमें एक और एक चीज है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, वो आपको एग्जाम में नहीं आता है, तो बेहब यही थी। और एक चीज में भूल गया, इधर है सारे काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, एक चीज ऐड करूंगा, चलो मैं कल पढ़ाऊंगा, एक क्वेश्चन और ऐड करोगे, लास्ट ईयर आया था 3 मार्क्स, एक्सप्लेन द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, वो याद है, याद है, चलो कल कराते हैं, कल खत्म करते हैं इसको, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ, क्या वो पागल, जबरदस्त टॉपिक, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर हर साल आता है ये बेटा, पिछले 3 साल कंटिन्यू आया है 3 मार्क्स, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। चलो कल करते हैं, कल बेटा क्या क्या रह गया हमारे पास, डाल्टन रह गया, शाबाश, एक डाल्टन रह गया, एवोगाड्रोस रह गया, डुलोंग रह गया, मैक्सवेल रह गया, और काइनेटिक इंटरप्रिटेशन, सो ये चलो कोई मसला नहीं, ये कल करते हैं, ठीक है। और मुनीजा आपने कल कुछ बोला था मुझे सर सेंड करने के लिए, मुनीजा डू टेक्स्ट मी ऑन द व्हाट्सएप, मैं आपको मेरा डीएल सेंड कर लेता हूँ, ठीक है, आप हाय लिखना, आई एम मुनीजा, मुझे सेंड करना, आपने परसों भी कुछ बोला था चैट बॉक्स में, सो मुझे कर लो आप टेक्स्ट व्हाट्सएप पे, आपके पास है व्हाट्सएप नंबर, आप वहां पर कर लेना हाय, तो मैं सेंड कर लेता हूँ। चलो बेटा यहाँ से कल करते हैं, कल के लिए बेटा क्या, एक तो डाल्टन्स लॉ शाबाश, ये कल, एंड कल के लिए बेटा शाबाश, दूसरा टॉपिक शाबाश, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, लास्ट ईयर आया है ये,
और लास्ट ईयर ये तीन मार्कस आया है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, इसकी इक्वेशन भी लिखूंगा, हो गए दो। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बेटा इधर डुलोंग एंड पेटेट ला, डुलोंग एंड पेटेट ला, उसके बाद ये कल के लिए है, एंड उसके बाद बेटा एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस एंड उसकी हाइपोथेसिस, एवोगाड्रोस नंबर एंड उसकी हाइपोथेसिस, एंड लास्ट बेटा मैक्सवेल, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन करो। ये बेटा पांच टॉपिक है, ये कल बेटा मैं एक घंटे में खत्म करूंगा और उसी के साथ केटीजी खत्म। फिर पेपर बी में खाली बच गया फ्लूइड, वो बेटा परसों, फ्लूइड बेटा परसों खत्म। और पेपर ए में ग्रेविटेशन भी पढ़ा चुका हूं मैं, रोटेशनल भी, उसमें फिर पेपर ए में रह गया मैथमेटिकल टूल्स, प्रोजेक्टाइल करा दूंगा और NLM एंड वर्क एनर्जी पावर। उसके बाद बेटा चार दिन लगेंगे, मतलब वही बेटा पांच और चार हो गए, पांच और हो गए छह, छह दिन में बेटा कंप्लीट होगा। ठीक है मेरा डियर, और कुछ बोलना है? चलो बेटा कल मिलते हैं क्लास में, कोई मसला नहीं, चलो कल वाली क्लास में बेटा इसको कंटिन्यू करते हैं। ये हर साल आया है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, दिस इज रिपीटेड बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। बेटा चलो कल कोई नहीं, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, बाकी मेरा जिगर, टिल देन।